इन्फोसिस और टीसीएस पर आई ऐसी रिपोर्ट शेयर बेच कर निकलने लगे निवेशक। रिपोर्ट में इन्फोसिस और टीसीएस के स्टॉक को खरीदने की बजाय बेचने की सलाह दी गई। इस खबर के बाद टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही कंपनियों के स्टॉक में भारी बिकवाल रही और कुल 8% तक टूट गए हैं। रिपोर्ट में इन्फोसिस टीसीएस के स्टॉक को खरीदने की बजाय बेचने की सलाह दी गई है। गोल्डमैन विप्रो के स्टॉक को लेकर पॉजिटिव और खरीदने को कहा गया है। इस खबर के बाद टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही कंपनियों के स्टॉक में भारी बिकवाली रही है। टीसीएस के स्टॉक की बात करें तो 3.15% ज़्यादा लुढ़क कर 3,130 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं मार्केट कैपिटल भी 11,45,000 करोड़ रुपये के करीब रहा। इन्फोसिस की बात करें तो 1,480 रुपये के स्तर पर जो 4.15% से ज़्यादा नुकसान को दिखाता है। मार्केट कैपिटल 6,25,000 करोड़ रुपये से कम है। गोल्डमैन के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा, हमारा मानना है कि आईटी कंपनी मंदी काफ़ी अहम होगी। इस रिपोर्ट में भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व की तुलना में ईवीआईटी मार्जिन पूर्वानुमान पर जोर दिया गया है। सैलरी स्ट्रक्चर पर कंट्रोल या एनुअल हाइक जैसी दिक्कतों की आशंका। आपको बता दें कई आईटी कंपनियां ऊंची लागत के कारण अप्रैल जून तिमाही में लाभ के अनुमान से चूक गई थी। वहीं कुछ और कंपनियां कर्मचारियों के बोनस को फ्रीज करना या काटना शुरू कर दिया है। इस साल अब तक आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा। अब तक यह 27% से अधिक गिर गया। हालांकि कुछ विदेशी ब्रोकरेज भारतीय आईटी स्टॉक पर सकारात्मक हो गए हैं।